शहीद जितेंद्र कुमार का हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में हजारों लोग हुए शामिल। शहीद के परिजनों को 1 करोड़ देगी मध्य प्रदेश सरकार। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने किया हैरान। सिंगापुर में बूस्टर डोज लगवा चुके 2 लोगों के सैंपल में मिला ओमिक्रॉन। बूस्टर डोज की क्षमता पर उठ रहे सवाल। मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे ड्रोन स्कूल। इंदौर और भोपाल समेत 5 शहरों में खुलेंगे स्कूल। सिंधिया ने कहा सिखाई जाएगी नई टेक्निक। फौजी ने लद्दाख में बैठकर छत्तीसगढ़ में कराया मर्डर। गड़े धन के लालच में फंसाकर प्रेमिका के पति को रास्ते से हटाया। 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। दो साल बाद पंचमढ़ी में जश्न का माहौल बनेगा। क्रिसमस न्यू ईयर पर एमपी टूरिज्म के सभी होटल पैक। केस नहीं बढ़े तो 50,000 से ज्यादा पर्यटक आएंगे। नमस्कार, मैं हूं छवि। आप देख रहे हैं खबर भारत। चलिए देखते हैं खबर विस्तार से। कुन्नूर हादसे में सीडीएस विपिन रावत के साथ शहीद हुए जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर दिल्ली में भोपाल पहुंचा। वहीं भोपाल ओल्ड एयरपोर्ट से सीहोर के लिए उनकी देह रवाना हुई। इस दौरान कर्नल आनंद गोखले, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, भोपाल पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर इरशाद अली, सुमन पचौरी बीजेपी भोपाल जिला अध्यक्ष ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं सीहोर के धामदा गृह ग्राम में जितेंद्र का गायत्री पद्धति से अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सीएम समेत मुक्ति धाम पर जनप्रतिनिधि, सेना के अधिकारी, सेवानिवृत्ति अधिकारी, जिला पुलिस प्रशासन सहित हजारों की तादाद में ग्रामवासी मौजूद रहे। वहीं सीएम शिवराज ने शहीद के परिजनों को 1 करोड़ की राशि देने की घोषणा भी की। वहीं जितेंद्र के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, साथ उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी सरकार उठाएगी। कॉलेज और स्कूल का नाम भी शहीद जितेंद्र कुमार के नाम से रखा जाएगा। अमर शहीद जितेंद्र खाती न केवल धामंदा के गौरव है, वो सीहोर जिले के गौरव है, वो मध्य प्रदेश के गौरव है, वो देश के गौरव है। मैं धामंदा की पवित्र माटी को प्रणाम करता हूँ, माता धाबूबाई को प्रणाम करता हूँ, पिता शिवराज खाती जी को प्रणाम करता हूँ और उनकी पत्नी बेटी सुनीता को प्रणाम करता हूँ। ऐसे वीर को इस गांव ने जन्म दिया जो वेस्ट स्नाइपर थे और चाहे फिजिकल ट्रेनिंग हो या बाकी परफॉर्म करने का मामला, उन्हें हमेशा बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज सोमवार 13 दिसंबर से हो रहा है। अशोकनगर जिले के 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे, जिसमें पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव होंगे। प्रथम चरण में अशोकनगर, द्वितीय चरण में ईसागढ़ और तृतीय चरण में मुंगावली चंदेरी के मतदान होगा। इस दौरान अशोकनगर में 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाएंगे। वहीं 6 जनवरी को ग्राम पंचायतों के मतदान और 10 जनवरी को नेहरू डिग्री कॉलेज में जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों की मतगणना की जाएगी। तो हम नेहरू डिग्री कॉलेज में पूरी व्यवस्था हम लगभग करा चुके हैं। छोटे मोटे कार्य बाकी हैं जो आज में पूर्ण होने वाले हैं। सारी मतदान केंद्रों के सारे भ्रमण हो चुके हैं हमारे ARO's के द्वारा और हमारे नोडल ऑफिसर्स के द्वारा। साथ ही साथ जितनी बेसिक इम्यूनिटीज़ है वो सब भी पूर्ण की जा रही हैं। हमारे पंचायत सूची, मतदान सूची का सभी का कार्य पूर्ण हो चुका है और जो भी आप लोग कहीं कमी बताया था उसको भी हम पूर्ण करने तत्पर हैं। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि पूर्व में जो सरपंच थे जिन पे
जिला पंचायत द्वारा रिकवरी के नोटिस जारी किए हैं कि इन्होंने अतिक्रमण किए हुए हैं, इस प्रकार के पुलिस केसेस भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ओबेदुल्ला गंज के भोजपुर निवासी रितेश गोस्वामी अपने परिवार, पत्नी और दो बच्चों के साथ राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा के कस्तूरबा नगर में शनिवार शाम से पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। 3 महीने पहले भी यह परिवार दानिशनगर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया था। परिवार का आरोप है कि ओबेदुल्ला गंज में स्थित उनकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, पर प्रशासन द्वारा कब्जा नहीं हटाया जा रहा है। रितेश गोस्वामी की मांग है कि उसकी जमीन से कब्जा हटवाया जाए। वहीं कल शाम से ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी उसे नीचे उतारने के लिए मनाने में जुटे हुए हैं। एसडीएम गौहरगंज से चर्चा हुई है और टीआई गौहरगंज से भी चर्चा हुई है और एसडीएम गौहरगंज यही है, कल शाम से वो यहाँ हैं और उन्हें इनके प्रकरण के बारे में पूरी जानकारी भी है और उन्होंने बताया कि जैसा ये बोल रहा है वैसी बात नहीं है, जो भी हुआ है वो उसका निराकरण किया गया है। अगर इस निराकरण से उनके उस आदेश से ये व्यथित है तो उसका ये सक्षम न्यायालय में अपील कर सकता है। उसकी डिमांड तो यही है कि कोई धनंजय चौहान नाम का व्यक्ति है जो कि उसको बोलता है कि उसे गिरफ्तार किया जाए और यदि कुछ ऐसा लगता है तो समुचित कानूनी कार्रवाई भी की जाए, इसको रिलीफ भी दिया जाए। मध्य प्रदेश सचिवालय मंत्रालय ने कर्मचारी संघ के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की गई है, जिसको लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैनल ने चुनाव को अवैध बताया है। वहीं प्रवक्ता संतोष राठौर ने कहा कि नवंबर में ही चुनाव संपन्न हो गए थे, जिसका कार्यकाल 2 साल का है। अब वह अगला चुनाव 2023 में होगा, उसके बाद भी गलत तरीके से दबाव डालकर चुनाव की अधिसूचना जारी की गई है। साथ ही कहा गया कि इसमें फर्जी मतदाताओं के नाम भी जोड़े गए हैं। आज की ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि मध्य प्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघ के चुनाव 17-11 को हो चुके हैं और उसके बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा 22 तारीख को पूरी कार्यकारिणी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जा चुका है और वर्तमान में संघ अस्तित्व में है, लेकिन श्री सुधीर नायक और उनके साथियों द्वारा इस चुनाव को न मानते हुए तानाशाहीपूर्ण तरीके से नया चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है जो कि अवैधानिक और विधान के विरुद्ध है। नरसिंहगढ़ क्षेत्र के रनवा, कुंवर, कोटरी, भगोर, कांकरवार, भिलखेड़ी, गड़ियारी खेड़ी सहित दर्जन भर गांव में अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें खराब हो जाने के चलते क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों सहित तमाम अधिकारियों ने दौरा कर 6 माह पूर्व खराब फसलों का सर्वे करवाया गया था। पिछले महीने 6 माह से क्षेत्र के किसान राहत राशि के लिए अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के चक्कर काटते हुए इस बार राहत राशि के बारे में अवगत कराते हुए ज्ञापन भी दे चुके थे, मगर किसानों को आज तक राहत राशि नहीं दी गई, जिसको लेकर किसानों ने चक्का जाम किया है। किसानों का कहना है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर राहत राशि नहीं दी गई तो अब उग्र आंदोलन किया जाएगा। पिछले कई दिनों से यहाँ पर किसान परेशान थे और काफ़ी संख्या में यहाँ पर आज किसान इकट्ठा हुए और यहाँ पर आज चक्का जाम किसानों द्वारा किया गया। राहत राशि को लेकर कई किसान काफ़ी समय से मशक्कत कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, मगर राहत राशि शासन द्वारा जारी नहीं की गई थी। आज यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँचे, चक्का जाम की स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँचे, नायब तहसीलदार यहाँ पर आए और उन्होंने 7 दिनों का किसानों को आश्वासन दिया है। 7 दिनों में अगर किसानों के खाते में राशि नहीं आती है तो किसान वापस यहाँ पर उग्र आंदोलन करने की बात कहते हुए यहाँ पर डटे हुए थे। अभी फिलहाल यहाँ पर नायब तहसीलदार के आश्वासन के बाद जाम खुलवाया गया है। पन्ना में पिछले 2 वर्षों से सरकार की योजनाओं का लाभ पाने के लिए 2 अनाथ बच्चियां भटक रही हैं।
पन्ना निवासी भगवती आदिवासी और माया आदिवासी ने 2 सालों में अपने माँ और बाप दोनों को खो चुके हैं। वहीं अनेक सरकारी योजनाएं होने के बावजूद बच्चियां मध्याह्न भोजन और गांव वालों की मदद से अपना जीवन यापन कर रही हैं। आपको बता दें कि इनके माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत से जारी नहीं किया गया था। पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि दोनों ही बच्चियों को पात्रता अनुसार योजनाओं के साथ हर संभव मदद किया जाएगा। किसके पास आए बेटा मिलने? यहाँ कलेक्टर के पास। क्या समस्या क्या है? दुनिया से चले गए। अच्छा, मदद चाहते हैं। मदद चाहते हैं। कैसी मदद चाहिए बेटा? कैसी मदद चाहिए? खाना पीना। अच्छा। कौन सी क्लास में? कहाँ पर पढ़ती? तो अब क्या चाहते हैं? बताओ। मेरा भाई के बच्चे मदद चाहते हैं कलेक्टर साहब। वो खत्म हो गए माँ बाप हो गए, तो ये खराब से हो गए। अच्छा भैया की क्या बेटी पढ़ती है? ये बेटी ये बताओ क्या क्या है? हम मदद इसलिए नहीं आए कि उनको घर मकान और खाने पीने को उनको रहने के लिए। हम कह सेक्रेटरी साहब का देखो हमारे बच्ची लोगों की मददकारी करो। हमारे अधिकारी उनके परिवार की जानकारी ले रहे हैं, जैसा कि महिला बाल विकास अधिकारी ने बताया है। उनके पेरेंट्स जैसे दोनों अगर कोविड में नहीं होते तो उनको कोविड बाल कल्याण योजना का लाभ हम दे सकते थे। चूँकि शायद दोनों उसमें से एक उनकी माँ शायद जीवित है, तो उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए उनको पोस्टर के योजना में उनको लाभ देने के लिए हम लोग उसको पात्रता उनकी ढूंढ रहे हैं। और उनके परिवार को अगर उनकी माता कोई आर्थिक गतिविधि वो करना चाहती हैं तो उनको मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना में या किसी अन्य योजना में कुछ राशि उनको हम लोग उपलब्ध करें, जिससे अपना वहाँ को अपना स्वरोजगार कर सकें। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष हसीन अहमद कुरैशी ने किसान संघ के पदाधिकारियों के साथ शमशाबाद में पटाखे फोड़कर मिठाइयां बांटी। वहीं कानून वापसी पर किसानों के 1 साल 13 दिन बाद घर वापसी पर खुशियां मनाई। विश्व के सबसे बड़े आंदोलन की वापसी हुई है, उसकी खुशी के कारण हमने शमशाबाद में किसान भाइयों को इकट्ठा कर मिठाई बाटी और फटाके फोड़े। जो हमारी 3 मांगें थी वो केंद्र सरकार ने मान ली गई हैं और बिल वापस कर लिया और बिल लोकसभा में बिल पास कर और राकेश टिकैत जी के हाथ में सौंप दिया गया है। MSP लागू कराने का प्रयास कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते रफ्तार को देखकर वैक्सीनेशन कराने की नई पहल शुरू की है। वहीं COVID-19 से बचने का एकमात्र उपाय टीकाकरण है, इसलिए आवश्यक हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी जो सरकार की रणनीति है कि वो वैक्सीनेशन का दोनों डोज का 100% पूर्ण होना चाहिए, इसलिए जगह जगह पर राशन कार्ड या पेट्रोल पंपों कहीं भी दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही इनको राशन उपलब्ध कराया जाए, या अन्य जैसे पेट्रोल पंप है वहाँ ये सर्टिफिकेट दिखाने के बाद भी पेट्रोल दिया जाना है। तो इससे कोशिश यही है कि 100% हमारा सेकेंड डोज भी पूर्ण किया जा सके। छत्तीसगढ़ में वेतन विसंगति दूर करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रांतीय सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर देवभोग ब्लॉक सहायक शिक्षक संघ ने प्रदर्शन किया।
वहीं 90 दिन गुजर जाने के बाद भी कमेटी ने रिपोर्ट शासन को नहीं सौंपी है, जिससे नाराज होकर सहायक शिक्षक प्रदर्शन हड़ताल करने को मजबूर है। सहायक शिक्षकों ने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर विकासखंड स्तर पर आज हम आंदोलनरत हैं और शासन प्रशासन के द्वारा जो हमारी वेतन विसंगति की मांग है उसको निराकरण करने के लिए किसी तरह जो कमेटी बनी है और कमेटी की जो रिपोर्ट अभी तक खुलासा नहीं किया जा रहा है उनके विरोध में हम विकासखंड स्तर के देवभोग के तमाम सहायक शिक्षक शिक्षिकाएँ यहाँ आंदोलनरत हैं। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? जी हाँ, मैं पुनः आपको साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, आपने हमारे बात को शासन प्रशासन तक पहुँचाने के लिए यहाँ आए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहें खबर भारत के साथ। नमस्कार।